दोस्तों, मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से रिंग एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग भी रिंग एप्लीकेशन बैंक अकाउंट ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना रिंग्स एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना रिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह से देखने को इंटरफेस मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए ऊपर एक ऑप्शन दिखने का 3 डॉट का, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा प्रोफाइल का। तो आपको क्या करना है, कंप्लीट नाउ का बटन दिख जाएगा, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैंक डिटेल्स का। तो सिंपली से आपको क्या करना है, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में देखने को मिल जाएगा IFC कोड का। तो सिंपली से आपको इसमें IFC कोड डालना है, आपको जो भी बैंक है उसका ब्रांच का, उसके बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद वही अकाउंट नंबर आपको नीचे डाल देना है। और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट जो भी नाम है वो डालकर सिंपली सा अकाउंट टाइप के ऊपर क्लिक कर टाइप सेलेक्ट कर उसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ये सब फिलअप कर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कन्फर्म का बटन दिएगा, सिंपली से कन्फर्म के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड बैंक अकाउंट का, यानी कि मेरे यहाँ पे रिंग ऐप में एक और बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से रिंग ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी कुछ इस तरह से रिंग्स ऐप में बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर रिंग्स ऐप में बैंक अकाउंट ऐड करना सीख लेते वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।